हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मेरे वाले नोट्स। एंड टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फर्स्ट चैप्टर टीडी सिस्टम, दैट इज थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड प्रोसेस। दिस इज अवर फर्स्ट चैप्टर, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद द फर्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज आस्क इन 1994, 1 mark इन गेट मैकेनिकल पेपर, 1 mark। In this question, it is asked that the definition of 1 Kelvin as per the internationally accepted temperature scale is. तो हमको बेटा ये समझना है कि 1 Kelvin क्या होता है। अब ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, पर उससे पहले हमें 1 Kelvin जो internationally accepted temperature scale है उस पर क्या बताया गया था। तो मैं आपको बता दूं इसमें स्क्रीन पे कि 1 Kelvin आपका जब बताया गया था तो वो बताया गया था 1/273.16 मल्टीप्लाई बाई ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। अब आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर आपने पढ़ रखा है प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सबस्टांस में, इसकी वैल्यू होती है 1/273.16। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता है 273.16। तो जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपका 1 Kelvin = 1 Kelvin इक्वलेट हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। इस वजह से इंटरनेशनली एक्सेप्टेड किया गया था कि 1 Kelvin डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर स्केल होगी आपकी 1/273.16 ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, डेफिनेशन क्या थी मैं अगेन रिपीट कर दूं, 1 Kelvin = 1/273.16 मल्टीप्लाई ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो जाए क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो दिस इज अवर आंसर, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में दे रखा है आइसोलेटेड थर्मोडायनेमिक सिस्टम। दिस क्वेश्चन इज आस्क इन गेट, अगेन गेट मैकेनिकल पेपर 2 mark क्वेश्चन इन 1999, बहुत ओल्ड पेपर का क्वेश्चन है। इसमें बोला है आइसोलेटेड थर्मोडायनेमिक सिस्टम एग्जीक्यूट अ प्रोसेस। ठीक है, तो आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, उसको हम देख लेते हैं आइसोलेटेड सिस्टम होता क्या है हमारा। चलिए, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है, बच्चों ध्यान से सुनिएगा, देयर इज नो वर्क ट्रांसफर, कोई वर्क ट्रांसफर ना, देयर इज नो वर्क ट्रांसफर। इसके साथ साथ देयर इज नो हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर भी नहीं होनी चाहिए। कुछ बुक्स में इसको दोनों को क्लब्ड करके लिखा होता है देयर इज नो एनर्जी ट्रांसफर, और ऑब्वियसली लिखा होना चाहिए क्योंकि एनर्जी ही होती है हीट और वर्क दोनों, तो देयर इज नो एनर्जी ट्रांसफर। ओके, और तीसरी कंडीशन होती है देयर इज नो मास ट्रांसफर। कहने का मतलब हुआ कि आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम है जो सराउंडिंग के साथ कोई इंटरेक्ट नहीं करता है इन एनी फॉर्म, ना ही एनर्जी की फॉर्म में करता है इंटरेक्शन, ना ही मास के फॉर्म में करता है, यानी कि वो इंटरेक्ट ही नहीं करता सराउंडिंग के साथ, ना ही एनर्जी की फॉर्म में, ना ही मास के फॉर्म में। उसको बोलते हैं उस पर्टिकुलर सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड। चलिए, तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है देखते हैं, नो हीट इज ट्रांसफर्ड। यस, ये तो मैंने अभी आपको बताया आइसोलेटेड सिस्टम वही होता है जिसमें कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो। अगेन, नो वर्क इज डन, वेरी गुड, ये भी ऑप्शन सही है। इसका मतलब ये कौन सी कैटेगरी का क्वेश्चन हो गया, मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चंस, MSQ, एक से ज्यादा करेक्ट हो सकते हैं, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ MCQ। थर्ड ऑप्शन कह रहा है नो मास फ्लोज अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, ये भी सही है, कोई मास फ्लो नहीं होता। अब डी ऑप्शन कह रहा है नो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस विद इन द सिस्टम, सिस्टम के अंदर कुछ हो सकता है, जैसे पिस्टन सिलेंडर असेंबली ले रखी है और ये इंसुलेटेड है, यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम है। बेटा देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आइसोलेटेड एंड इंसुलेटेड। इंसुलेटेड मीन्स नो हीट ट्रांसफर, बट आइसोलेटेड मतलब ये तीन चीजें याद रखनी है, नो वर्क ट्रांसफर, नो हीट ट्रांसफर, नो मास ट्रांसफर, माइंड दिस। तो अगर कोई एयर के मॉलिक्यूल्स यहां पर हैं, दिस इज एयर के मॉलिक्यूल्स, तो अगर ये आइसोलेटेड सिस्टम है तो इसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन हो सकती है। ठीक है ना, तो ये बोला नो केमिकल रिएक्शन तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ABC इज करेक्ट, ABC इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चन हो गया ये। चलिए आगे चलते हैं, वेरी गुड। दिस क्वेश्चन इज आस्क इन गेट 2011, 1 marker क्वेश्चन। हीट एंड वर्क आर, हीट और वर्क क्या होते हैं बेटा, हीट और वर्क अभी मैंने बताया दोनों एनर्जी की फॉर्म है। हीट कहलाता है लो ग्रेड एनर्जी, मैं आपको इसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, आंसर अभी हम करते हैं, लो ग्रेड एनर्जी।
और वर्क को क्या कहते हैं हम, हाई ग्रेड एनर्जी। कैसे पता चला प्यारे बच्चों कि इसको लो ग्रेड एनर्जी कहते हैं, इसको हाई ग्रेड एनर्जी कहते हैं? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ के। अदरवाइज फर्स्ट लॉ तो कहता था कि एनर्जी आपकी सेम होती है, यानी एनर्जी कंजर्व रहती है। उसने नहीं बताया कि लो ग्रेड एनर्जी क्या होता है, हाई ग्रेड एनर्जी। बट आपने जब सेकंड लॉ पढ़ा तब पता चला एनर्जी का भी एक डिस्टिंग्विश होता है, क्वालिटेटिव डिस्टिंग्विश, एक लो ग्रेड एक हाई ग्रेड। चलिए, तो हीट ऑफ वर्क क्या होती है, एनर्जी की फॉर्म है। दूसरा इसमें क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, पॉइंट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है। बेटा हीट और वर्क दोनों की दोनों प्रॉपर्टी तो नहीं होती है, तो अगर प्रॉपर्टी नहीं है तो चाहे इंटेंसिव कहे या एक्सटेंसिव कहे दोनों ही गलत हो जाएंगे। अब बात करते हैं पॉइंट फंक्शन या पाथ फंक्शन। हीट एंड वर्क आपका डिपेंड करता है पाथ के ऊपर। जैसे सपोज करो ये पीवी डायग्राम में बनाऊं, दिस इज योर प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये प्रोसेस वन से टू, इनिशियल जो पॉइंट है वो इनिशियल पॉइंट आपका वन है, यानी स्टेट वन से स्टेट टू तक ये प्रोसेस अकर हो रहा है, तो इसमें मैं आपसे पूछूं वर्क डन क्या होगा, तो आप कहोगे प्रोजेक्टेड एरिया ऑन द वॉल्यूम एक्सिस। इसको कैलकुलेट करो, कह दोगे यही वर्क है, इसका एरिया। लेकिन अगर मैं इस पाथ को बदल देता हूँ, देखिएगा मैं पाथ को अब चेंज कर देता हूँ, इनिशियल पॉइंट इनिशियल स्टेट ये रख लूँ, फाइनल स्टेट मैं ये रख लेता हूँ। अब मैं आपसे पूछूं, सेम डायग्राम है, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम रखा है, अब मैं आपसे पूछूं बेटा बताइए वर्क डन कितना होगा, तो आप कहोगे सर ये वर्क डन ये वाला होगा। अब देखिए इन दोनों में वर्क डन, ये वाला वर्क डन अगर हम कहूँ W1, ये कहेंगे W2, तो W1 इज नॉट इक्वल टू W2। कॉन्सेप्ट क्लियर किया मैंने आपका कि दोनों ही वर्क डन अलग अलग आ रहे हैं, क्योंकि एरिया अलग अलग आ रहा है, और एरिया अलग अलग आ रहा है तो दोनों के दोनों डिपेंड कर रहे हैं पाथ के ऊपर, और अगर पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं तो क्या होगा, पाथ फंक्शन। समझ में आया बच्चों अच्छे से, क्यों पाथ फंक्शन हुआ, तो पाथ फंक्शन हो गया, तो पॉइंट फंक्शन भी हमारा गलत स्टेटमेंट है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये अच्छा क्वेश्चन है आइडियल गैस का। अब इसमें क्या कह रखा है कि ए सर्टेन अमाउंट ऑफ एन आइडियल गैस इज इनिशियली एट प्रेशर P1 एंड टेम्परेचर T1। ओके, वेरी गुड। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम बना लेते हैं, जिससे कि हमें क्वेश्चन करने में आसानी रहे। तो पहला स्टेप क्या होगा, सुंदर डायग्राम बना लेना। तो सुंदर सा डायग्राम बनाएंगे आप लोग मुझसे अच्छा। तो पहला प्रोसेस क्या रहा है, वन से टू कॉन्स्टेंट प्रोसेस होगा, ठीक है जी, कॉन्स्टेंट प्रोसेस की बात हो रही है। लेकिन इसमें कह रहा है कि आपका टेम्परेचर, जो सेकंड टेम्परेचर सेकंड कंडीशन पे है, इनिशियल पॉइंट वन ये हो गया, सेकंड जो टेम्परेचर है टी टू वो कितना हो जाता है, थ्री बाई फोर टाइम्स ऑफ टी वन। यानी कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा टेम्परेचर डिक्रीज हो गया या इंक्रीज हो गया। भाई इनिशियल टेम्परेचर T1 है और फाइनल टेम्परेचर T2 है, तो इनिशियली टेम्परेचर T1 है, T2 कितना हो गया, पहले वाले का 3 बाई फोर्थ, ठीक है ना, तो टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। तो टेम्परेचर डिक्रीज होने का मतलब है मैं टेम्परेचर को अगर डिक्रीज करूंगा तो वॉल्यूम के साथ क्या इफेक्ट आएगा, वॉल्यूम के साथ क्या इफेक्ट आएगा, ये जानने के लिए हमें लगानी पड़ेगी आइडियल गैस इक्वेशन। प्रोसेस कौन सा दे रखा है, कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ये देखिए मेंशन है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। लगा देंगे बच्चों कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस की आइडियल गैस इक्वेशन, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, ये अच्छा क्वेश्चन है। कांस्टेंट प्रेशर के लिए हम आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे, यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन, ध्यान से समझना। आइडियल गैस इक्वेशन जब लगाएंगे तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, देखिए आइडियल गैस इक्वेशन होती है पी वन वी वन अपॉन टी वन, यानी इनिशियल स्टेट अपॉन पी टू वी टू अपॉन टी टू, ठीक है। पर वो बोला है कॉन्स्टेंट प्रेशर, क्लियरली मेंशन है, मैंने अंडरलाइन भी किया है, तो P1 और P2 कॉन्स्टेंट रहेंगे तो ये आ जाएगा V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2। इससे क्या समझ में आया प्यारे बच्चों कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो जब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा, तो इसलिए हमारा जो एरो आएगा वो इस तरफ आएगा, तो वन से टू पॉइंट, ये मेरा टू पॉइंट हो गया, वेरी गुड। अब कह रहे हैं कि इसके बाद अंडरगोज, जब यहां से वन से टू प्रोसेस हो गया कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, इसके बाद इट अंडरगोज है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस टू से थ्री, तो दो से थ्री यानी कांस्टेंट वॉल्यूम तो यही होगा, लेकिन एरो ऊपर भी जा सकता था, नीचे क्यों बना दिया सर आपने, क्यों नीचे बनाया, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए फिर आइडियल गैस लगा के देख लीजिए, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए देखिए आइडियल गैस इक्वेशन तो यही है पी टू वी टू अपॉन टी टू, सेकेंड वाले से थर्ड वाले की तरफ जा रहे हैं पी थ्री वी थ्री अपॉन टी थ्री, तो देखिए V3 V2 कांस्टेंट है तो P2 अपॉन T2 इक्वल टू P3 अपॉन T3, तो प्रेशर
और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन आ गया है, यहाँ से डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, इसलिए एरो कहाँ आएगा बच्चों, नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि प्रेशर डिक्रीज होगा, क्योंकि टेम्परेचर क्या हो गया, हाफ हो गया है, ठीक है, इस वजह से, ओके, लिख रहा है उसमें टेम्परेचर कम हो गया है तो नीचे आ जाएगा एरो। चलिए अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि ये थ्री पॉइंट यानी कि V3 अपॉन V1 निकाल दीजिए, फाइनल वॉल्यूम माइनस डिवाइड बाई इनिशियल वॉल्यूम। बच्चों आपसे कहा गया है कि फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम का रेशियो निकाले, बट मैं सोचूंगा कि V3 अपॉन V1 से निकालने से अच्छा मैं V2 अपॉन V1 निकाल दूं। बात तो एक ही हुई ना, जरा सोच के बताइए, बात तो एक ही हुई कि V3 अपॉन V1 या V2 अपॉन V1, क्योंकि V2 और V3 क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि V3 अपॉन V1 इज सेम एज V2 अपॉन V1, तो हम कोशिश करेंगे V2 अपॉन V1 निकालने में। तो बेटा ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाता हूं और यहीं से बताऊंगा आपका V2 अपॉन V1 कितना आया। देखिए फ्रॉम इक्वेशन वन से देखा हमने V2 अपॉन V1 इक्वल टू T2 अपॉन T1, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 से। अब T2 की वैल्यू क्या दे रखी है, क्वेश्चन में मेंशन है T2 इक्वल टू 3T1 अपॉन 4, पुट द वैल्यू, जैसा बोला है वैसा करेंगे, जो एग्जामिनर बोलेगा वो करना पड़ेगा हमें सिलेक्शन लेना है, तो 3T1 अपॉन 4 अपॉन T1, T1 से T1 शहीद हो गया, खत्म हो गया, 3/4 आ गया, तो V2 अपॉन V1 कितना आया प्यारे बच्चों, 3/4। देखते हैं ऑप्शन में है भी या नहीं, ऑप्शन वाला क्वेश्चन है क्या ये, यस है और दे रखा है, कितना आंसर होगा प्यारे बच्चों जल्दी से बताइए, ऑप्शन बी 0.75, क्योंकि यही तो मेरा 3/4 है, तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, वेरी गुड क्वेश्चन, ये आया हुआ 2016 वन मार्क क्वेश्चन सेट 1 में, गेट मैकेनिकल पेपर में, ठीक है, गेट मैकेनिकल पेपर में पूछा गया। चलिए इसको देखते हैं, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कौन कौन से स्टेटमेंट सही है विद रेस्पेक्ट टू हीट एंड वर्क, हीट और वर्क के बारे में जानकारी जानना चाह रहा है। देखिए आज के हमारे सेशन में हीट और वर्क के बारे में बहुत जानकारी पूछी गई है एग्जामिनर के द्वारा। तो देखिए हीट क्या होते हैं, मैंने बताया एनर्जी होती है, एक लो ग्रेड एनर्जी होती है, ये लो ग्रेड एनर्जी होती है। वर्क क्या होता है, हाई ग्रेड एनर्जी होती है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो दोनों की दोनों एनर्जी है। बट आपको सबसे पहले पूछा है बाउंड्री फिनोमिना है क्या दोनों के दोनों, यस बोथ आर बाउंड्री फिनोमिना, क्योंकि अगर मैं कहूं आपसे कि हीट के बारे में बात करता हूं, तो अगर अंदर जो एनर्जी इन्वॉल्व है इस सिस्टम के अंदर जो एनर्जी, उसको हम बोलते हैं बेटा इंटरनल एनर्जी, बहुत ध्यान से सुनना, ये गोल्डन पॉइंट है, मिलियन डॉलर कॉन्सेप्ट वाला पॉइंट बता रहा हूं आपको, सिस्टम के जो अंदर एनर्जी होती है दैट इज नोन एज इंटरनल एनर्जी, बट जब वो एनर्जी बाउंड्री को क्रॉस करेगी तो क्या कहलाएगी, हीट ट्रांसफर, तब हम उसको यूज करते हैं हीट ट्रांसफर। तो हीट ट्रांसफर कब पिक्चर में आया, जब बाउंड्री क्रॉस किया, अगर बाउंड्री क्रॉस नहीं करती, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होती तो इंटरनल एनर्जी कहते हैं, मैंने लिखा भी है, बाउंड्री को क्रॉस किया, ये बाउंड्री है, इसको क्रॉस किया, हीट बन गई वो, तो हीट बाउंड्री फिनोमेना, ऐसी सेम हमारा वर्क है, जब वर्क हमारा ये बाउंड्री बना लें, जैसे कि अगर ये पिस्टन सिलेंडर की एक बाउंड्री बना लेते हैं और पिस्टन को मूव कराते हैं ऊपर की तरफ, तो इस बाउंड्री को क्रॉस करेगा, इस वाली बाउंड्री को, ये बाउंड्री को क्रॉस करके ऊपर जाएगा पिस्टन, तब कहेंगे कि वर्क हुआ, तो वर्क भी हमारा बाउंड्री फिनोमेना है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। क्या बोथ आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, बोथ आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल, नो दे आर इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, क्योंकि अगर एक जगह पे हमारा पाथ फंक्शन है दोनों के दोनों, हमने अभी बताया था हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शन, तो थर्ड स्टेटमेंट तो ट्रू हो जाएगा, पर एग्जैक्ट डिफरेंशियल से इनएग्जैक्ट क्यों कह रहे हो सर, इसको एग्जैक्ट क्यों नहीं है ये, क्योंकि बेटा अभी तो आपको बताया कि जब प्रेशर वॉल्यूम वर्क के लिए, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम के लिए आप अगर वर्क निकालोगे, ये आपका पॉइंट नंबर 1 और ये पॉइंट नंबर 2, और इसमें आप वर्क कैलकुलेट करोगे, चलिए वर्क कैलकुलेट कर लीजिए, इसमें यहाँ पे आपने वर्क कैलकुलेट किया, अब दूसरे कोई प्रोसेस के लिए आप वर्क कैलकुलेट करोगे, दूसरा प्रोसेस सपोज करो ये वाला प्रोसेस है, 1 से 2 ऐसे गए, अब जब आप वर्क कैलकुलेट करोगे तो ज़्यादा वर्क आएगा, देखो इतना अमाउंट वर्क बढ़ गया, ये वाला इतना अमाउंट वर्क आपका इंक्रीज हो गया, तो आप दोनों वर्क जब निकालोगे तो वर्क और हीट के बारे में दोनों में खासियत है कि दोनों का जो डिफरेंस है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, अब इसमें इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, तो सिर्फ पॉइंट पर डिपेंड नहीं करता, पाथ पर डिपेंड करता है, तो डिफरेंस अलग आ जाएगा, इन एग्जैक्ट आएगा, एग्जैक्ट नहीं होगा, इसीलिए तो हम बेटा हीट और वर्क के डेल से डिनोट करते हैं, ऐसे डेल W या फिर ऐसे डिनोट करते हैं DW, और इसको ऐसी तरह से हम हीट को भी डिनोट करते हैं DQ, इस तरह से,
और इंटरनल एनर्जी को कैसे डिनोट करते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म में, क्योंकि वो पॉइंट फंक्शन होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया। तो फर्स्ट एंड थर्ड केस में बी ऑप्शन, तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट एंड थर्ड, बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए, सो थैंक यू सो मच। आपको लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसी तरह से हम क्वेश्चन की सीरीज लाएंगे, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, आज का पहला चैप्टर था सिंपल था, तो छोटे छोटे क्वेश्चंस थे, आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और उन क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।